बात बल्लभगढ़ से खबर की। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का मंडी दौरा। मूलचंद शर्मा ने उठान और खरीद का जायजा लिया। इंडिया न्यूज हरियाणा पर खबर दिखाए जाने के बाद जायजा लिया है। मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए। अधिकारियों को एक सप्ताह में गेहूं उठान के निर्देश दिए हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा ने प्रमुखता से यह खबर दिखाई थी। प्रदेश की अनाज मंडी में गेहूं के उठान और खरीद को लेकर इंडिया न्यूज हरियाणा पर खबर चलने के बाद कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ अनाज मंडी का दौरा किया और वहां अधिकारियों को एक सप्ताह में मंडी से गेहूं के उठान के निर्देश दिए। इस दौरान इंडिया न्यूज से बातचीत करते हुए मूलचंद शर्मा ने कहा कि इस बार गेहूं की बंपर पैदावार हुई है और एक साथ अनाज किसान मंडियों में लेकर आए हैं, जिसके चलते बारदाना और उठान में परेशानी आई है। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जल्द से जल्द उठान के निर्देश जारी कर दिए हैं। जहाँ बारदाने की कमी है उन मंडियों में जल्द भिजवाया जा रहा है। मंडियों में अनाज की उठान को लेकर समस्याएं हो रही हैं और उठान न होने के चलते किसान भी परेशान हैं, तो ऐसे में आढ़ती भी परेशान है। फिलहाल हम बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में हैं और यहां साफ तौर से देख सकते हैं कि उठान की बड़ी समस्या है और इसीलिए लोगों को दिक्कतें यहां हो रही हैं। और इसी बीच में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा खुद मंडी का दौरा करने पहुंचे हैं। अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की है, आखिर उठान कब तक होगा, क्या स्थिति है फिलहाल, क्योंकि वारदाने की भी बात कमी की बात सामने आ रही है। क्या आखिर अधिकारियों से बातचीत हुई है? मंत्री जी खुद पहुंचे हैं अनाज मंडी में, क्या समस्याएं हैं पहले तो? समस्या कुछ बारदाने की कमी शॉर्टेज है मंडी में, बल्लौड मंडी में भी, मोहना मंडी में बारदाने की शॉर्टेज है। जल्दी जल्दी आज ट्रांसपोर्ट की मीटिंग है और तेजी के साथ पूरे जितने भी यहाँ जहाँ हैं हमने सभी अधिकारियों को मीटिंग किया कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की जाए और किसान का गेहूं गोदाम में पहुंचाने का काम करें, कि गोदाम में जाने के बाद ही किसान की पेमेंट होगी। और मैं कहता हूं कि हरियाणा में कोई भी इसके जो मुख्यमंत्री के आदेश के बाद और मैं बीइंग ए फूड सप्लाई मिनिस्टर के ना होने के नाते कि किसान को और व्यापारी को किस तरह की परेशानी ना हो, किसान की तुलाई में ना हो और उसका बारदाने में ना हो और जो पेमेंट है समय पर पहुंचे, इसको हम तेजी देंगे और आने वाले 5-7 दिन में 1 वीक में हम मंडियों को साफ कर देंगे, ऐसा भरोसा विश्वास। लेकिन आप खुद मान रहे हैं वारदाने की कमी है, उठान नहीं हो रहा है, अधिकारी दावा कर रहे थे 1 अप्रैल से पहले तमाम तैयारियां पूरे प्रदेश में पूरी कर ली गई हैं, लेकिन अगर आज 20 तारीख को भी ये हालात हों तो फिर कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं अधिकारियों पर। मैंने कहा था फसल 19 से ज्यादा है, बंपर फसल है। ये तो अच्छी बात है ना सर, अगर फसल उम्मीद से ज्यादा है तो इसका भी अनुमान पहले होगा सरकार को? नहीं, अनुमान बिल्कुल होता है, अनुमान जिस हिसाब से बारदाने की जरूरत थी, ज्यादा बारदाने, थोड़ा शॉर्टेज ज्यादा नहीं है, बहुत कम है जो मुझे जानकारी दी है आढ़तियों ने, जो बारदाने उठाएंगे फीदास से यहाँ देंगे और पहुंचाएंगे, कोई कमी नहीं रहेगी। तो हो सकता है कि जहाँ पिछली बार 40 मन गेहूँ आज 65 मन गेहूँ 1 एकड़ में हो रहे हैं तो फसल का बहुत फर्क है। कई भी बारदान 19 से ज्यादा के होते, पर ऐसा नहीं है बारदान हमारे पास है, हम पर लाने के पहुंचा जहां भी मंडी में जाते हो बारदान पहुंचेंगे। माना कि फसल अच्छी हुई है, लेकिन केवल जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं जिले की मंडियों का, मोहना मंडी का आप जिक्र कर रहे हैं, बल्लभगढ़ का, लेकिन पूरे प्रदेश में कई जगह स्थिति ऐसी हो गई है कि खरीद बंद करनी पड़ी है क्योंकि मंडी फुल है, उठान नहीं हुआ है। नहीं बिल्कुल ठीक है, हमने मुख्यमंत्री कल ही मीटिंग ली है सभी अधिकारियों की इस चीज की और ये आदेश दिए कि चाहे जो ट्रांसपोर्ट का जो नियम था भी गाड़ी पे चिप होनी चाहिए, चिप के बाद वही गाड़ी लगेगी ट्रांसपोर्ट के, मेरा मानना है कि अपने ये भी मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं अधिकारी कि किसानों को जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा गाड़ी लगाई जाए और ज्यादा ज्यादा इसको गोदाम पहुंचाने का काम करा। बिल्कुल, खुद कैबिनेट मंत्री मंडी में पहुंचे हैं, जायजा लिया है, अधिकारियों से जानकारी ली है और जो जानकारी सामने आ रही है उसमें यही है कि वारदाने की कमी है, तो दूसरी तरफ अभी उठान नहीं हुआ है, उठान की वजह से ही कई समस्याएं किसानों के सामने आ रही है। लेकिन अब मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की तरफ से अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जल्द ही 1 हफ्ते में इन तमाम चीजों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाए और किसानों की जो पेमेंट है वो उनके खातों में पहुंचनी शुरू हो जाए। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया।